कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। मलबे के अंदर 21 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 13 लोगों को बचा लिया गया। वहीं 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आज सुबह डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। मलबा हटाने के लिए टीम ने बड़ी मशीनें भी मंगवाई हैं। कर्नाटक में इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल जेडीएस ने कांग्रेस पर बेंगलुरु की दुर्दशा करने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि आपने देखा होगा कि दुबई और दिल्ली में क्या हो रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसी ही स्थिति है। हम प्रकृति को रोक नहीं सकते, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। Yes, I was told that there are no permission. Illegal activities was been going on. We will take strict action against the owner, the contractor and everyone in entire Bangalore. I will make up to see that. We'll come out with a decision where all such type of illegal construction are going on. We are going to stop immediately. I'll conduct a big survey on this and we'll stop all this type and I'll inform the concerned registrars also not to accept any transfer of property, such type of property which there are no plan sanction. So we'll have to deal with this if they strict in the laws, whatever we have in our hands.